छीन के लेंगे। हम किसी का अन्याय नहीं करना चाहते, लेकिन कोई अन्याय करेगा तो फिर वो चैन से नहीं सोएगा, समझ रहे हो। अपनी ताकत बनाओ और एक एक अलग अलग टूटने की वजह से, अन्याय सहने की वजह से अच्छा है कि एकजुट हो जाओ, वरना ये सरकारें हमें बिल्कुल निस्तनबूत कर देंगी, समझ रहे हो। अपनी ताकत बनाओ, हर कमजोर एक दूसरे का हाथ पकड़ के ताकतवर हो जाओ। हमारी एकता एवं हमारी ताकत यही हमारी रक्षा करेगी, यही सुरक्षा करेगी, समझ रहे हो। आओ चलो, सब लोग चलेंगे वहाँ, चलो आ जाओ। जंगल प्रदेश बन गया है और यहाँ अन्याय की पराकाष्ठा लिखी जा रही है। अन्याय भी ऐसा अन्याय जिसके बाद एक विद्रोह पैदा हो। तो मुझे उम्मीद थी कि हम तो ये सोचते थे कि भाजपा की सरकार ही दलितों पे दमन करती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में भी यहाँ अशोक गहलोत जी के आंखों के देखे में भी यहाँ दलित शोषितों के साथ दमन हो रहा है। हम इस दमन के खिलाफ हैं। अगर वो इस दमन को अच्छा मान रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो इस पद पे बैठने के लायक नहीं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो आम जनता को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसे मुख्यमंत्री की आम जनता को जरूरत नहीं। अत्याचार को कम करने के लिए अपना क्या क्या प्रयास होंगे सर? हमारा प्रयास यही होगा कि आपस में भाईचारा बने और जो अपराधी इस तरह का अपराध कर रहा है उसको सख्त से उसके ऊपर कार्रवाई, और जो सरकार उनको संरक्षण देने काम कर रही है उस सरकार का चेहरा भी उजागर। सर, ये जो है बेसिकली पुलिस की जो है कार्रवाई बहुत धीमी गति से चलती है, ये सरकार के इशारे पे चलती है, यही आज जानने के लिए परिवार से बात करके बताऊंगा कि परिवार कैसा महसूस कर रहा है। लेकिन अन्याय हुआ,